हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन 2019 के लिए रिलीज हो चुका है, जिसका सेपरेट वीडियो एक पहले ही अपने चैनल पे भी डल चुका है। और आज का दिन जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा दिन है। एंड इवन आप मैं मेरी खुद की भी बताऊं तो आज वाकई याद मजा आ गया। बहुत दिन से, जब से ये बैंकों का मर्जर प्रपोज हुआ, आईबीपीएस आरआरबी की एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, देन एसबीआई क्लर्क की फाइनल एग्जाम भी काफी एरियाज में नहीं हुई, उससे उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो एक मायूसी का माहौल था, बहुत बुरा लग रहा था। बच्चों को बार बार वीडियोज डाल के मोटिवेट कर रहे थे कि आप डिमोटिवेट नहीं हो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं होगा। और फॉर्चुनेटली आप देखिए, बहुत अच्छा हुआ, 12,000 वैकेंसीज से प्लस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मिल गया। और इसमें एक चीज आप और देखिए, तीन बैंक हैं, पंजाब नेशनल, और बड़े हैं तीनों ही, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दो तो एटलीस्ट बड़े हैं, चलो तीसरा सिंडिकेट बैंक तो इतना बड़ा नहीं है। इन बैंकों ने नील वैकेंसी नहीं भेजी, इन्होंने रिपोर्ट नहीं की, नोट रिपोर्ट। तो मैं एटलीस्ट पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट से भी एटलीस्ट आप ये मान के चलो कि 2,000 वैकेंसीज में और एक्सपेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली जब अपनी फाइनल लिस्ट आएगी तो 14,000 प्लस डेफिनेटली वो लिस्ट आनी चाहिए, राइट? क्योंकि आप देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी तो बहुत बड़े बैंक हैं दोनों, सो वैकेंसीज यहाँ से भी डेफिनेटली अराइज होंगी। और ऐसा नहीं है कि जिनका मर्जर प्रपोज हो गए वहां से वैकेंसीज नहीं है, वो वैकेंसीज ओबीसी का मर्जर पैकेज हो गया, सॉरी प्रपोज हो गया, लेकिन ओबीसी आप देखिए राजस्थान में लीडिंग वैकेंसीज दी हैं, पंजाब में लीडिंग दी हैं, दिल्ली में लीडिंग दी हैं, इवन यूपी में, उत्तराखंड में, काफी स्टेट्स में जो लीडिंग वैकेंसी देने वाला जो बैंक है वो ओबीसी। और इसी तरीके से दूसरे बैंक के साथ भी है जिनका मर्जर प्रपोज था, ऐसा कुछ नहीं। और मर्जर की प्रक्रिया एक दिन में नहीं हो जाती, और दूसरा ऐसा नहीं है कि मर्जर होने से सब कुछ बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनिशियली जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में मर्जर होता है तो उनको स्टाफ की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो रूटीन के काम है, उनके अलावा एक मर्जर का काम जो है वो और बढ़ गया। चलिए अब इस सेशन में अपने डिस्कस करें कि जो नोटिफिकेशन आया है उसके उसमें क्या प्रीवियस से कोई बड़ा चेंज है क्या, और साथ ही क्या है उसमें। जैसे जो बच्चे इसी साल बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम में अपियर होना शुरू किया, तो उनको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्या कुछ है, कि उनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है उनसे फर्स्ट टाइम अगर वो पढ़ेंगे भी पूरे नोटिफिकेशन को तो बहुत चीजें उनसे छूट भी जाए। तो अगर अपने देखें, सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें एज का, तो जनरल कैंडिडेट के लिए देखें तो 20 से लेके 22-20 ईयर्स एज है, राइट? और बेस डेट इन्होंने रखी रखी जो है वो रखी है 1 सितंबर, 1 सितंबर 2019 जो है इससे काउंट की गई है। तो अगर आप एज का जनरल कैंडिडेट के लिए देखें तो वो क्या 2,991 से और 1,999 के बीच का होना चाहिए, और ये दोनों डेट हमेशा इंक्लूसिव होते हैं। 2 सितंबर 91 से लेके 1 सितंबर 99 तक के जिनका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब बच्चे जनरल। जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे एससी एसटी के बच्चे, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, परमानेंट डिसेबल आई थिंक 10 साल का रिलैक्सेशन है, एंड इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन का शायद और भी मोर है तो उनको रिलैक्सेशन फी और डिवोर्सी का अलग है, जो 84 के रिवॉर्ड्स में जो अफेक्टेड हुए उनको अलग है, जेंट के लोगों को अलग है। एंड एक बार आपको ध्यान हो कि भोपाल में एक गैस लीक हो गई थी, तो उसके जो सफरर है उनको भी छूट है, तो ये अलग है, बट एक जनरल ये हो गया, राइट? देन क्वालिफिकेशन का देखें तो ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, ये तो है ही है, ये तो आप होना तो रिकॉग्नाइज चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री, राइट? क्वालिफिकेशन में, लेकिन
अब इसके अंदर एक जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन जो है अगर वो ग्रेजुएट नहीं भी है, अगर वो मैट्रिकुलेट है, मान लो उसने 10th पास है, वो उसके बाद अगर वो आर्मी से है, दो तरह के हैं वहां, आर्मी से भी है और नेवी और एयरफोर्स से भी है, तो आर्मी वालों के तो एक स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी देता है, एक स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन का, एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट आर्मी देता है, प्लस 10th है तो भी वो अप्लाई कर पाएगा। और अगर एयरफोर्स और नेवी में भी है तो वहां एक करस्पोंडेंट सर्टिफिकेट मिलती है, एयरफोर्स और नेवी अगर वो भी उसने ले रखी है तो उसको भी इसी के इक्वलेंट मांगा, मतलब उसको एलिजिबल माना कुल मिला, राइट। लेकिन साथ ही उनकी 15 साल की सर्विस की होनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन ऐसा हो जिसकी 15 ईयर्स की सर्विस की हुई है, 10th पास है, आर्मी से अगर उसने वो सर्टिफिकेट जो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है वो है उसके पास, या करस्पोंडेंट सर्टिफिकेट है इन द केस ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। रिजल्ट जितने भी हैं उनकी डेट जो इन्होंने कट ऑफ रखी है वो 9/10/2019 तक रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, राइट। आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और जब फॉर्म फिल करें तो आप मार्क्स फिल कर पाए उसका फाइनल एग्जाम का, राइट। एक ये कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी, और ये भी मैंडेटरी, ये नोट कर लेना, ये मैंडेटरी है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपके या तो 10th स्टैंडर्ड, हाई स्कूल स्टैंडर्ड मान लो 10th स्टैंडर्ड है, या कॉलेज में, या आपने कुछ और कोई कर रखा है कोई इंस्टीट्यूट से तो कुछ उस इंस्टीट्यूट में, कोई भी आपके कंप्यूटर या आईटी का कोई सब्जेक्ट अगर रहा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट अगर इन स्टैंडर्ड्स में है तो आप पे कोई मान लिया जाएगा कि आप कंप्यूटर लिटरेसी में पास है, या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर ऑपरेशन में है तो भी आपको इसके लिए मान लिया जाएगा एप्लीकेबल, राइट। फिर एक है प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, इन जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लोकल लोकल लैंग्वेजेस है कुछ, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, और अगर आप वहां से फॉर्म भरते हैं अगर आप पे, तो उसमें क्या चाहिए आपको कि या तो आप मतलब प्रोफिशिएंसी के लिए भाई आपको अगर आपके कोई भी कभी भी वो 10th एंड ऑनवर्ड, 10th एंड ऑनवर्ड आपके अगर वो सब्जेक्ट रहा हो तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप उसी स्टेट से हैं तो ऑब्वियस आपकी थर्ड लैंग्वेज वो रही हुई होती है। लेकिन बहुत बार क्या होते हैं कि पड़ोसी जो नेबर स्टेट से वहां से भी फॉर्म बच्चे फिल करते हैं तो उनको फिर ये एक ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर वहां की लोकल लैंग्वेज दूसरी हुई तो, अदरवाइज। और उसके लिए आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन आपको कम से कम वो लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी और बोलनी ये आपको आनी चाहिए भी। जैसे अगर आपको कोई न्यूज़पेपर या पत्रिका वहां की लोकल लैंग्वेज में उसको कहा जाए जिसको पढ़िए, या आपको एक सर्टेन छोटी मोटी डिक्टेशन दे रहा आपको लिखनी आनी चाहिए, और बोलने में कन्वर्सेशन जैसे वो आपको आपसे उसी भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो आपसे कन्वर्सेशन कर पाते हैं नहीं कर पाते उसको देख लेते हैं, वो एलपीटी टेस्ट होता है तो वो भी बनाते हैं। अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप देखो तो काफी स्टेट तो ऐसे हैं जो जिनमें हिंदी काफी में है, जैसे हिंदी वाला अगर मैं देखूं तो हिंदी भी काफी में है, जैसे आपके बड़े स्टेट्स में देखूं तो यूपी है, पुराना एमपी, पुराना पुराना यूपी, पुराना एमपी, पुराना यूपी का मतलब यूपी भी उत्तराखंड भी, एमपी का अगर मैं देखूं तो एमपी भी और छत्तीसगढ़ भी, और पुराना बिहार तो बिहार भी और झारखंड भी, तो राइट 6 स्टेट्स तो यही आ गए। देन आपका हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी है, देन आपका राजस्थान में भी है, देन दिल्ली में भी है, और आपका झारखंड छत्तीसगढ़ आ ही चुका, चंडीगढ़ में भी है, और हरियाणा आ गया नहीं है, हरियाणा में है, राइट। तो ये इतने स्टेट काफी बड़े स्टेट हो जाते हैं, ये इन सब में हिंदी है, तो यहाँ जैसे इन स्टेट्स का एक दूसरे में अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, वो ऑलरेडी हिंदी वो जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जैसे आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि जैसे आप साउथ में देखें केरला है तो हम केरला में मलयालम है,
कर्नाटक में कन्नड़ है, देन आपका आंध्र और तेलंगाना है उसमें तेलुगु है, और तमिलनाडु में तमिल है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में एक से ज्यादा है, शायद एक तो बंगाली है, एक और भी है, और इसी तरीके से जो आसाम में भी एक तो असमी है और आई थिंक बोडो भी होगी वहाँ, और वेस्ट बंगाल में बंगाली के साथ शायद नेपाली है, और इसी तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट में एक एक जो स्टेट्स है इनमें भी इसी तरह का, जे एंड के में अगर आप हाँ पंजाब जैसे एक स्टेट रहेगा, जैसे पंजाब में आप देखोगे तो वहाँ पंजाबी है, जे एंड के में आई थिंक पंजाबी भी है, फिर लद्दाखी भी है, फिर और वो डोगरी भी है, बहुत भाषाएं हैं यहाँ जे एंड के में, तो हिमाचल तो हिंदी आ ही गया, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनमें ये लैंग्वेजेस हैं, तो उनका आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, या वो सब्जेक्ट आपके 10th एंड ऑनवर्ड कभी भी एक बार रहा हुआ होना चाहिए, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब अगर अपने देखें एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम दो तरह दो लेवल में होगी, एक प्री होगी और एक मेन होगी। प्री में आपके कौन कौन से है, रीजनिंग है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है या उसको आप मैथ कहें, और इंग्लिश है, राइट, वही मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ऑनलाइन एग्जाम है, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, और इन सब के लिए 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम है, राइट। और साथ ही एक चीज और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, कि सेक्शनल टाइम के बावजूद भी सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल कट ऑफ मतलब मिनिमम कट ऑफ बैंक डिसाइड करता है कि रीजनिंग की मिनिमम क्या है, कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या है, वो जनरल के लिए क्या है, अलग अलग होती है, और उसी तरीके से न्यूमेरिक एबिलिटी की, इंग्लिश की, इनकी, तो सेक्शनल कट ऑफ भी है इसमें, वो क्लियर करनी पड़ेगी, राइट। अब मेन एग्जाम में क्या है आपके, रीजनिंग एंड कंप्यूटर को दोनों को साथ मिलाया हुआ है इसमें, हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आजकल कम ही आते हैं, रीजनिंग ही आती है पूरी। दूसरा न्यूमेरिकल, वही मैथ्स को यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह देते हैं, क्वांट है, देन इंग्लिश है, और जनरल एंड फाइनेंशियल, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो और अगर इसमें अपने इसका देखें तो रीजनिंग और इसके 50 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के, इंग्लिश इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है और 40 ही मार्क्स के हैं, क्वांट के 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के हैं, देन आपके ये भी 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के, जनरल एंड फाइनल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो अगर यहां मैं देखूं तो ये तो हो गए 200 तो मार्क्स हो गए, और ये 190 साइड क्वेश्चन होते हैं, 190 राइट, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और इनका सेक्शनल टाइम होता है इनका भी, जैसे आपको क्वांट और रीजनिंग में दोनों में 45 45 मिनट्स दी होती है, और इनमें दोनों में 35 35 मिनट दी हुई होती है, और दोनों में प्री और मेन में दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है वो गलत होगा उसकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, राइट। और यहां भी सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ है, और ओवरऑल कट ऑफ भी मिनिमम इसमें ओवरऑल कट ऑफ भी है जो कम बैंक डिसाइड करता है उससे ज्यादा ही आने चाहिए, राइट। जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो सिर्फ मेन के स्कोर से होगा, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जितनी भी मेन की वैकेंसी जैसे 12,000 वैकेंसीज है, तो जो भी 8 गुणा 10 गुणा ज्यादातर साइड 10 टाइम्स करते हैं तो 1,20,000 को पास करेंगे, और फिर उनमें से मेन में जितनी वैकेंसीज होंगी, फर्स्ट थिंग, एक जितनी लिस्ट आएगी उसके करीब करीब 10% रिजर्व लिस्ट भी डिक्लेयर होगी, और फाइनल रिजल्ट में सिर्फ मेन के मार्क्स ही। एक चीज मैं और बता दूं कि अभी आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क की एक सीरीज शुरू कर रखी है क्वांट की, और अपने चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, एक वर्चुअस जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल जो नए बच्चे, उनके वर्चुअल रूम के नाम से अपने पूरा एक कोर्स है, वो भी अगर वो देखें तो बहुत फायदा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।